तो हेलो जी, तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में एक बेल का आइकन होगा उसको भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। कि जिस वजह से मैं गांव आया था वो है आज के दिन का। तो आज के दिन है शादी, शादी मतलब वलीमा, और हम भी इन्वाइटेड है एक दोस्त की, तो कज़न के साथ मिलेंगे। वो चकवाल में होता है तो हम जाएंगे चकवाल, उसके साथ मिलेंगे एंड देन दोनों इकट्ठे जाएंगे वलीमे पे। तो आज का सीन आपको दिखाते हैं, आज ब्लॉग भी इंशाल्लाह बना ही लेंगे पूरा, बस तैयारी करते हैं। अभी तो फिलहाल नाश्ता करते हैं। सीनरी बाय द वे चेक करें, अच्छी सीनरी। सुबह सुबह का टाइम है, 7 बजे का टाइम है, सूरज इतना ऊपर अभी नहीं गया, यानी अभी अभी निकला है। तो इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपको मैं एक सीन चेक कराता हूँ। ए भाई साहब, साहब भाई जान, और सो जी, ओ हेलो, टाइम में उठो उठो, मैंने भूख लगी हुई है, मैं ना शक्कर ना उठो। उठो भाई, उठ जाए, मुझे नाश्ता करना है, भूख लगी है, चलो घर चले भाई। उठना आता हूँ क्यों, उठो चले, चलो ये उठ जा। तो चलते हैं नाश्ता करने। सुबह सुबह के मनाजिर बिल्कुल प्योर होता है क्योंकि ओस पड़ी होती है ना, जिस वजह से जो है एक सर्दी में भी इजाफा हो जाता है और दूसरा एक वो फ्रेशनेस आती है। यहाँ पे अभी नाश्ता करेंगे। ये देखें जी, हमारी दानी मिलाकर साहब, क्या कर रहे हैं जी? क्या कर रहे हैं यार, शादी पे जाना, उसकी तैयारी कर रहे हैं। किसकी शादी है? है एक शादी, बेगानी शादी। तो सीन हो और अभी नहीं आई है। हाँ ये सीन है ना, अगर लड़के वाले ने पूछे तो कहेंगे लड़की वाली तरफ से आए, और लड़के वाले ने पूछे तो कहेंगे लड़के वाली तरफ से आए। खाना खाने और क्या, हाँ लंगर पटाखा कर तो। हाँ तो भाइयों और बहनों, जैसे कि आप देख रहे हैं तैयार हो चुके हैं, वास्कट और कपड़े पहन चुका हूँ, सिर्फ रह गया है बूट, क्योंकि अभी चप्पल पहने, बस जिस टाइम निकलने लगूंगा वो भी पहन लूँगा, और बहुत चिटा हो गया हूँ नहीं तो भी पहन लूँगा। हाँ तो देख सकते हैं तैयार हो चुका हूँ, कोट दूसरा भी लेवल वो मुझे पसंद नहीं आया, वास्कट तो ये पहन लिया, तो बस बूट पहनने और उसके बाद चलना है वलीमे पे। तो साथ रहिए, स्किप वीडियो बिल्कुल भी नहीं करनी। भाई साहब कंघी फेर लें, ओ फेर लेते हैं, फिकर ना कर, तेल से लाग है, फेर लेते हैं, गजब बेइज्जती है। नानी साहब मेरे लिए ले आए हैं, थैंक यू थैंक यू। इसमें कुछ चीज भी डाल लेना, नहीं खाली देंगे। बस चलने की तैयारी करके बूट भी पहन लिए और बस उठाते हैं चीजें और चलते हैं। मैं चकवाल पहुंच गया हूं, एक रुमाल ले लिया, अब चलते हैं कज़न के घर। कज़न के घर पहुंच चुका हूँ, ये धूप मेरे छोड़ी हुई बैक साइड पे रह रही है यार। कज़न के घर बस पहुंच चुका हूँ भाई, सब तैयार है, छोटा भी तैयार है और हम भी बस निकलते हैं। हाँ तभी करना चाहिए, हाँ निकल पड़े हैं हाल की तरह। पहुंच चुके हैं, बच्चों को कट्टू क्या नाम है झूले नज़र आ गए हैं, तो कहता है झूले की तरफ, तो चल रहे आए हैं झूलों की तरफ। अरे माँ आप कहाँ आए हो? हाँ पार्क आए हो? पार्क तो नहीं आए हम भला कहाँ आए, पता है आपको? गाड़ी है कहाँ है? अच्छा चलो, सीन एंजॉय हो चुका है, अब घर की तरफ चलते हैं। सीन हो चुके हैं, अब घर जाना है गांव और कल पेशावर। तो बस अभी कज़न के घर बैठे हैं और मामू के इंतजार है आए कि उनके साथ जाएं घर। हाँ तो भाई ये सीन ऐसे अभी जा रहा है घर की तरफ,
ब्याह अटेंड कर लिया। आप बहुत सख्त सर्दी है और वीडियो में आपको पता चल जाएगा, आपको कैसे पता लगे क्योंकि आप मेरा ठर रहे हैं और आप बाइक पे हैं। तो चलते हैं घर की तरफ, फिर आपसे मुलाकात होती है घर पे, देखते हैं क्या शो कर। तो इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब तो लाजमी करना है, साथ में आइकन दबा होगा बेल का, उसको भी दबाकर आल पे कर देना ताकि मेरी वीडियोस आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, कल मैंने जाना है पेशावर, हो सकता है मैं व्लॉग बना लूँ, हो सकता है ना बनाऊँ। तो इस व्लॉग को आप लाइक कर दें, तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तो उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, तो दुआओं में याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़। सोया हुआ है।